वेलकम बैक टू एन अनदर ब्लॉग। तो भाई आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि टाइम हो चुका है 10:15। तो अभी नहा धो के तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब चलेंगे हम आज गाड़ी को कुछ अलाइनमेंट का काम करने, एक और कर जिसके टायर कंडीशन, तो उसके लिए लेके चलते हैं। बस जैकेट पहनते अपने जिपर और फिर निकलते हैं। गाड़ी ऑन कर ली वाली डस्टर की, इसे सर्विस करानी है। चलेंगे इसको लेके फ्रॉफर्ट, 1,94,000 चल चुकी है सर्विस। तो नहीं बस इसकी अलाइनमेंट करानी है, रोटेशन करनी है इसकी। पहले व्हील की रोटेशन करेंगे वो, क्योंकि यहीं से ही हुई है, फिर लेके जाएंगे इसको अलाइनमेंट के लिए। तो चलते हैं और मिलते हैं सीधा पहले शॉप पर। पहले शॉप पर पहुँचेंगे, भैया कहीं नहीं यहाँ पे, मेरा फ़ोन कर लो बिजते कब तक आएंगे, खुला तो पड़ा ये दिखता रहे नहीं है, कर लेते हैं फ़ोन, कहीं टाइम लगेंगे तो हम चले लेते हैं, फिर वापस पूछ लेंगे कि वहीं से करा लेंगे। तो भाई अभी वो कह रहे थे कि जहाँ से व्हील बैलेंस करा उधर ही करा लेना, इधर भी आप पे करोगे से उधर भी, तो बस कराते हैं, चलते हैं सीधा उधर। अभी पहुँच चुके हैं हाजी चौक, बस अभी यहाँ से फटाफट चलते हैं सीधा, चलते फटाफट। पता नहीं क्या चीज़ का हाथ उठ लगा था पीछे, याद है ना। अबे करते हैं व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट, तो कह रहे हैं करते हैं खड़ी के रखे ऐसे, मेरे को लगा अगला कटोर पर यही है वो, कराते हुए सेट करने लग रखे हैं, उसके बाद देखते कितना टाइम पे कुछ होएगा। भैया चढ़ाने लग रखे हैं, कहते हैं उसका देखते हैं क्या क्या सिस्टम है। का काम अपना शुरू हो गया, थोड़ी सी ही बात थी जैसे वो 0.02 थी, 0.07 थी हो रही है। होगी ऑलमोस्ट वही व्हील बैलेंसिंग तो होगी यहाँ पे, अलाइनमेंट तो हो गई है। अब व्हील बैलेंसिंग करानी है, आज वाले टायर रोटेट करवा दी, पीछे पीछे वाले आगे कराने वो होने लग रखे हैं। व्हील बैलेंसिंग होने लग रखे है टायर की, दो टायर तो निकल गए, दो बाकी निकलने लगेंगे, पहले ये डलेंगे फिर वो टायर तो हो गया। अब सारे कराते हैं फिर दिखाते हैं आपको। इस टायर मेरी पंचर घुमा के देख, अरे यार गियर लगा हुआ है नहीं घूमेगा, आइए रहा एक पंचर भी लगवाते हैं इसमें। व्हील बैलेंसिंग भी होगी, दो पंचर थे अगले टायर में, एक के साथ में एक और था वो, तो दोनों पंचर लगवा दिए। और गाड़ी धुली भी हुई है, बस वो लास्ट टायर रहता है वो लग रहा है, फिर पेमेंट करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। चलते हैं बस हवा कराती हुई, पंचर लगवाया था ना हवा चेक करवा लेते हैं, और अभी वो पिछले टाइम टायर टाइट नहीं होता था, मैं निकलने लगा था, मगर ठीक है फिर दूसरे जगह रुक जो भी एक बार अच्छे से टाइट कर देते हैं, पीछे वाला शो कर सही टाइम पे देख लिया। चलते हैं फटाफट से घर पहुँचते हैं, बस आगे अपने टर्न ले आए हैं घर पर गाड़ी को करा के, सारा काम करते हैं लोखंड पर जैसे कागज निकालना रहता है, मैं चंडी का काम करके आया हूँ, पता नहीं क्या कह रहा था बंदा, समझ ही नहीं आया कि आज वो पता नहीं क्या इतना शोर हो रहा था। आज तो ऐसे भी जो कोई फ़ायदा नहीं आज ट्यूजडे, और आज हुई ऑक्शन वहाँ पे ट्यूजडे स्टाफ चलते अंदर। अभी मम्मी है नहीं उधर, तो मेरे को भी काम से जाना है, बता दिया मम्मा ने काम, इस कागज में इसमें गेड़ देते हैं क्योंकि कल या परसों में चले जाएंगे चंडीगढ़। मम्मा का फ़ोन आता है फिर करते हैं बात, मम्मा ने जैसा वो हो गया 3:30 बज गए, 1 बजे करने के लिए काम, बाहर जाना कुछ काम था बताने। अब चलते हैं एक्टिवा लेके, मुझे एक काम है इम्पोर्टेंट, पहले सामान लाते हैं फिर बताते हैं आपको। ये भी मंदिर में जा रहे हैं मैं और मम्मा, वो सामान है फटाफट चलते हैं भाई, उसके बाद बताते हैं क्या करने लगे रखे थे। आते हैं हमारे जहाज को, मंदिर से मंदिर में चलते आप लोगों से। वही मंदिर पहुंच चुके हैं फटाफट चलते हैं, मत्था टेकते वही टाइम मौज कर दिया आज मंदिर की आपने बोले ये लड़न लग रहा ओ दो है उसके मुंह में, और फिर भी लड़ रहा उससे वो, आगे चल थोड़ा सा
ये साले दे वो अपना हाथ छोड़ के दूसरा लेगी, पर वो दो लेके चला गया, उसने दो को भूख थी इसका मतलब, बस रोक दे। आपको जब भूख होती है आपको तब तक इतनी वो ला कैच इट ब्रो, छोटे वाली खा ले, बेबी मंकी बांदरी खा ले, ना दूसरे ने कौन ठान देंदे ऐसे इदे ओ ले आखिरी पीस रह गए भाई, आगे चल रहे हो ना, और फिर और घणी आ जाएंगे उड़िए तो सारे लेगे ने, हां सारे लेगे, चल फिर आगे तो मोड़ के तो लेना, वो दो चार बैठे उनको दे दे, और तो नहीं डालने है? और तो चुरमा और क्या मतलब, और तो नहीं लाना, यही है, हां यही डाल दो बस, यही सी रुक दी है, देख इसको सी रुक गया, आगे आ जाएगा, रुक के देखियो वो नहीं रोकना, मैं अंदर की तरफ लाग करती हूं, इधर रोक देता है तो आया तो नहीं, वो खड़े होंगे तो चुरमा बनाया था और बंदर में आशीष से जाता हूँ तो आज पहले चढ़ाया था मम्मा के साथ जाके, और फिर बंदरों को भी डालना था थोड़ा बहुत, तो उनको डाल दिया था, अब चलते हैं पार्क, थोड़ी देर शूज़ पहनते हैं और लोअर पहन लेते हैं एक अपना गर्भ, फिर चलते हैं फिर से पार्क में, ऐसे तो मिलते हैं आपको पार्क में। आज का ब्लॉग एंड, बस इतना ही था, सुबह वो करवाया फिर उसको जो प्रसाद वगैरह जो बांटना था वो बांटा, अलाइनमेंट वगैरह जो करानी थी गाड़ी की डन है, सोते हैं, टाइम इसका अभी तक सेट नहीं करा, से लाना भूल गया मैं मार्केट से, गया था एक दुकान उठानी फिर मैं घर पे आ गया, और अब ब्लॉग को एडिट करके डालते हैं और सो जाते हैं, नहीं बस पूछने वाले एडिट वगैरह करूँगा इतनी 11 बजे जाएंगे, तो एडिट करते हैं और सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना।